ये आदमी हमेशा की तरह झील में ट्रेनिंग से वापस आकर ऑक्सीजन ट्यूब निकाला तो उसे अचानक गले में तेज घुटन महसूस हुई। तब उसने ऑक्सीजन ट्यूब को लगाकर दो बार सांस ली, फिर उसने ट्यूब हटा दी और बहुत कोशिश की तो वैसे ही महसूस हुआ। उसे लगा कि हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। फिर उसने दोबारा ऑक्सीजन ट्यूब लगा ली और जल्दी से शहर की तरफ चलने लगा। इस समय भरी सड़कें खाली थी, मानो सब कहीं अचानक गायब हो गए हों। ये आदमी एक कार के पास आया और देखा एक लड़की ऑक्सीजन की कमी से मर गई है। इस आदमी ने कार से फूल निकाले और लड़की के ऊपर डाल दिए और फिर सड़क से आगे बढ़कर एक घर में आ गया। बाहर कपड़े अभी भी गीले थे, उन्हें हाल ही में लटकाया होगा। ये आदमी घर में आया तो उसे एक औरत दिखाई दी जो ऑक्सीजन मास्क पहने थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी इसलिए वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही थी, यही वजह है कि वो मरी नहीं है। तब उसने अपना हाथ उठाकर कहा कि उसका इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। औरत एक बच्चे को गोद में लेकर बात कर रही है लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, इसलिए वो इशारों में बात कर रही है। औरत ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। तब आदमी ने कहा कि वो नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर अपने साथ आने के लिए हाथ आगे बढ़ाया।